नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। अशोक गहलोत सरकार की ओर से बजट 2023 में कई बड़ी घोषणाएं की गई। अब क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में इन घोषणाओं को आम लोगों तक पहुंचाने की कवायद की जा रही है और इसी के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महंगाई राहत कैंप की घोषणा की। महंगाई राहत कैंप का आगाज 24 अप्रैल से हुआ। 24 अप्रैल से इन कैंपों की शुरुआत हुई, आज 25 अप्रैल है और ऐसे में इसी कड़ी में हम भी एक ऐसे ही महंगाई राहत कैंप में पहुंचे हैं। तो चलिए यहाँ पर लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है, कितना लाभ उनको मिल रहा है सरकार की योजनाओं का। पहले मैं आपको बता दूं कि महंगाई राहत कैंप में सरकार की 10 बड़ी योजनाओं को शामिल किया गया है। इसमें फ्री इलाज, फ्री बिजली और 1 महीने तक का राशन जैसी जो सरकार की स्कीम्स है वो सभी शामिल है। तो चलिए यहाँ पर लोगों से बात करते हैं, साथ ही यहाँ पर जो अधिकारी मौजूद है जो कि लोगों का रजिस्ट्रेशन करते हैं उनसे भी बात करते हैं कि क्या पूरा प्रोसेस है और अभी आज कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। फिलहाल हमारे साथ रेवेन्यू ऑफिसर कमल शर्मा मौजूद है। कमल जी, क्या कुछ व्यवस्थाएं है, अभी तक कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है? मैम, कल हमने 250 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन आज सर्वर में प्रॉब्लम आ रही है इसलिए अभी तक 10 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो पाया है और थोड़ी नेट में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम सर्वर को सही करवा रहे हैं हेड ऑफिस से जहाँ से ये अपग्रेड हो रहा है। जी कमल जी, एक चीज़ जानना चाहूँगी कि जो भी आम जनता यहाँ पर आती है, जैसे उन्हें पता नहीं है कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा, उसका पूरा प्रोसेस एक बार आप समझा दें। मैम, इसमें बेसिकली 10 योजना है, जैसे कि उज्ज्वला और बीपीएल वालों को 500 रुपये में सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली फ्री और 25 लाख का चिरंजीवी बीमा है, 10 लाख का दुर्घटना बीमा है, उसके अलावा कामधेनु योजना में भी है। तो ऐसे करके 10 योजना में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जन आधार, बिजली बिल और गैस की डायरी, इन तीनों के बेस पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। हम एक फ्लेक्स लगाएंगे, उस पर आवश्यक दस्तावेजों का आज वो लग जाएगा, तो उससे लोगों को सुविधा हो जाएगी कि कौन कौन से दस्तावेज चाहिए और उससे रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। तो अभी ये टेक्निकल इशू जो आप बता रहे हैं कि साइट में आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या अभी प्रभाव पड़ा है? अभी प्रभावित हो रहा है, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा जल्दी जल्दी, वरना कल 5 मिनट लग रहे थे एक में, लेकिन आज उसमें 10-15 मिनट लग रहे हैं एक रजिस्ट्रेशन। और अगर आम लोगों की तादाद की बात करें तो कितने लोग इस चीज़ को लेकर अवेयर है, जो इस योजनाओं का लाभ उठाने के लिए यहाँ पर पहुँचे? मैम, अवेयर तो बहुत है, हमने पूरे शहर में होर्डिंग्स लगवाए हैं, प्रचार प्रसार पार्षद के थ्रू भी कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं, MLA साहब भी कर रहे हैं, तो पूरा प्रचार। और आप भीड़ देखिए, इतने लोग आए, कल भी इतनी भीड़ थी, तो जनता तो फुल आ रही है। अभी हमारे 2 सेंटर हैं, उसके बाद हम 8 सेंटर और चालू करेंगे, तो 10 सेंटर स्थायी चलेंगे 30 जून तक, जहाँ से लोगों को लाभान्वित करेंगे। तो रेवेन्यू ऑफिसर कमल शर्मा को आपने सुना, इनका कहना है कि आज क्योंकि महंगाई राहत कैंप का दूसरा दिन है, ऐसे में कुछ एक खामियाएँ अभी सामने आ रही है, जैसे कि अभी कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, साइट प्रॉपर नहीं चल रही है, नेट नहीं चल पा रहा है। हालांकि इनका कहना है कि जल्द से जल्द इन सभी खामियों को दूर कर लिया जाएगा और एक बार फिर से सुचारू रूप से महंगाई राहत कैंप चलेगा। अभी फिलहाल जैसा कि इन्होंने बताया कि लोग काफ़ी अवेयर इस चीज़ को लेकर है, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। नज़ारा भी एक बार मैं आपको इस राहत कैंप का दिखा देती हूँ कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद है। लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है, हालांकि गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन बावजूद इसके बाहर तक लोगों की लाइनें लगी हुई है। सभी लोग इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि कितने लोग इसमें रजिस्ट्रेशन अपना करवाते हैं। ये महंगाई राहत कैंप गहलोत सरकार की ओर से लगाया गया है, इसमें 10 बड़ी योजनाओं को शामिल किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इन योजनाओं का लाभ लोगों तक, उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा और इसीलिए ये महंगाई राहत कैंप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि इसमें फ्री बिजली, मुफ्त बिजली और इसके साथ ही 1 महीने का राशन और गैस सिलेंडर जैसी कई सुविधाएं इसमें शामिल की गई हैं। चिरंजीवी योजना को हम ले लिया, फिर दुर्घटना बीमा जैसी योजनाएँ ये इसमें शामिल की गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर लोग मौजूद है, लोगों की काफ़ी भीड़ भी है, रजिस्ट्रेशन लगातार किया जा रहा है। कुछ इसी तरीके से हम आपको महंगाई राहत कैंप के रिव्यू देते जाएंगे, तो इसके देखने के लिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ बने रहिए। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम सिंह भाटी के साथ।